तो सबसे पहले आपने जानना है स्क्रिबल ऐप के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सिंपली उसे ओपन करना है और प्लस के आइकॉन पर टैप करना है और यहाँ से मिडल वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। फिर आपने कोई भी एक अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस पर आपने स्क्रिबल इफेक्ट अप्लाई करना है। सिंपली आपने इसे इम्पोर्ट करना है और यहाँ से को टैप करना है यस पर, और यहाँ से इसके फ्रेम जो है रेंडर हो जाएंगे। तो जितनी छोटी वीडियो होगी आपका उतना ही फ़ायदा होगा, ताकि आपको कम फ्रेम्स पर काम करने को मिलेगा। तो सिंपली आपने फर्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ब्रश टूल को चूज़ करना है और कुछ भी ड्रा कर देना है अपने आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। फिर आपने सेकंड फ्रेम के ऊपर मूव करना है और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट फ्रेम के ड्रा की आउटलाइन दिख रही होगी। तो सिंपली आपने उसके नीचे ही अपने सेकंड एनिमेशन को ड्रा करना है। इस तरह आपने थर्ड फ्रेम का जाना है और ठीक बिल्कुल सेकंड फ्रेम के नीचे वाले एनिमेशन के अंदर के नीचे आपने इसे ड्रा करना है। इस तरह आपने फ्रेम बाय फ्रेम जाते रहना है और हर फ्रेम पर आपने अपने एनिमेशन की पोजीशन को चेंज करते रहना है। यानी जो भी आप ड्रा कर रहे हैं आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी पोजीशन चेंज करते रहना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपने हर फ्रेम के अंदर येलो मार्कर को अलग अलग जगह पर यूज़ किया है। इससे क्या आपको एक मूविंग इफेक्ट देखने को मिलेगा जब हम वीडियो को रेंडर करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपका एनिमेशन कहीं मूव ना हो, तो सिंपली आपने जैसे मैंने शूज़ के ऊपर इसको ड्रा कर रहा हूँ, सिंपली अपने सेकंड फ्रेम पर जाना और दोबारा शूज़ के ऊपर ड्रा करना है। इस तरह अपने थर्ड फ्रेम पर जाना और दोबारा शूज़ के ऊपर ड्रा करना है। इससे क्या आपका एनिमेशन जो है पूरी तरह शूज़ के ऊपर ही इफेक्ट डालेगा। तो ये बाकी सब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर, आप कैसे एनिमेशन बनाते हैं और कैसे नहीं। और जैसे ही आप अपने सब कुछ ड्रा कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, तो आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिल सकता है।